ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा इंडिया से कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताया। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा दुबई से या फिर आप यूएई में कहीं भी रहते हो, अबू धाबी, दुबई, शारजा, रासल खेमा, अजमान, और आपको लगाना है ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या वैलिडिटी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्राइस रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की अगर आप दुबई से हमारे साथ में अप्लाई कराते हैं तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बेनिफिट आपको मिलता है जब आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा हमारे साथ में लगाते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप दुबई में हो, यूएई में हो, काफी टाइम से सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया में जाने की, ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा लगाने की, तो दोस्त ये वीडियो पूरा आपको देखना है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑफर्स सिर्फ आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। बस बदले मुझे क्या चाहिए, नीचे जो बटन है इस पे आप क्लिक करना है, बस क्लिक ही करना है, ताकि आप भी नोटिफाइड हो जाओ और नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लेना। तो बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के साथ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा हमारे साथ लगाते हो तो कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वीजा लग के अप्रूव होके आ जाएगा। देखो ऑफिशियली जो वेबसाइट पे लिखा होता है वो होता है आपका 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका वीजा ऑस्ट्रेलिया का सबमिशन के बाद में आ जाता है। अगर आप हमारे साथ लगाते हो तो यही प्रोसेसिंग टाइम आपका रहने वाला है आफ्टर सबमिशन, 2 हफ्ते मिनिमम आप मान के चलिए, उसके बाद कभी भी आपका अप्रूवल आ सकता है ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा का। अब आते हैं इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। देखो वैलिडिटी इसकी रहती है 1 ईयर की, 1 ईयर में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, इट्स लॉन्ग वैलिडिटी। अगर आप देखोगे इट्स मोर देन यूके, सो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी वैलिडिटी है ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा की, जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। अब उसमें ड्यूरेशन कितने दिन का आपको मिलेगा, मतलब आप कितने दिन वहां पर रह सकते हो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट के ऊपर। हम आपकी एज पर योर प्लान हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, आपकी फाइल बनाएंगे, सबमिट करेंगे, ट्राई हम यही करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर ड्यूरेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा वहां पर रह सको ऑस्ट्रेलिया में फॉर विजिट वीजा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं अगर आप दुबई से या यूएई में कहीं भी आप रहते हो, यूएई रेसिडेंट हो और आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा लगाना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखो हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, इमिग्रेंट्स आईडी कॉपी, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका एनओसी फ्रॉम द कंपनी, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एनओसी हमको कंपनी से चाहिए रहती है, और अगर मान लो आपका यहाँ पे बिजनेस है यूएई में तो आपके ट्रेड लाइसेंस कॉपी और सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर, ये डॉक्यूमेंट आप हमें नीचे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिस है दुबई में बुर्जुमान में, बुर्जुमान बिजनेस टावर 906907, फिजिकली आके भी हमें दे सकते हैं या फिर ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने, पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेंट्स आईडी, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एनओसी फ्रॉम द कंपनी, और अगर आप मान लो बिजनेस ओनर हो तो ट्रेड लाइसेंस और आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की विजिट वीजा से पहले, ये टिप दे रहा हूं मैं आपको कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू कि आपको लॉन्गर वैलिडिटी मिले और आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया वीजा की प्लान करते हो ना, हमसे आप डिस्कस करें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं है तो हम आपकी हेल्प करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं ट्रैवल हिस्ट्री में आपको 10 कंट्री जाना है, घूमना है, नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री मतलब 1 से 2 कंट्री का वीजा अगर आप लेके 1 कंट्री भी ट्रैवल करते हो तो इट विल मेक ए बिग इंपैक्ट ऑन योर वीजा अप्रूवल चांसेस। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा फ्रॉम दुबई। अब आते हैं बॉस की प्राइस क्या रहने वाली है। देखो हम वैसे चार्ज करते हैं 1300 दिरहम फॉर ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा फ्रॉम दुबई यूएई जब भी कोई हमसे कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन आज के वीडियो में आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देने वाला हूँ सिर्फ 1150 दिरहम में, ठीक है, 1150 AED में हम आपको लगा के दे देंगे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा। इस प्राइस में आपका सबमिशन होगा, आपकी फाइल प्रिपेयर करेंगे, आपका होटल टिकट सब कुछ, मतलब इसके बाद आपका 1 रुपया कहीं पे नहीं लगेगा, ठीक है। 1150 इज द एक्चुअल प्राइस वी चार्ज एंड दिस इज ओनली फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये प्राइस आपके लिए है, तो बस जल्दी से नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिसिंग है
तो भी डिस्कस कर लीजिए, क्या पता हम आपकी हेल्प कर दें किसी डॉक्यूमेंट को एक्वायर करने में। तो दोस्तों ये था वीडियो कंप्लीट गाइडेंस के साथ में ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा के ऊपर, अगर आप दुबई में यूएई से अप्लाई करते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। ऐसे ही हर कंट्रीज के वीजाज के ऑफर पैकेजेस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, बस बदले में हमें क्या चाहिए, आपका प्यार, सब्सक्राइब, आप हमें सब्सक्राइब कर लो, बस वही चीज हमें चाहिए और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब तक के लिए जय हिंद।